हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स मैजिक। ओके स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट, हमने नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 53 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 54 एंड 55 कंप्लीट करेंगे। ओके, उसमें देखो हमने ओनली फॉर एडिशंस किए थे विदाउट कैरी। ओके, अब इसमें देखो अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ कैरी। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, कैरी के साथ में हमें एडिशंस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो चलो हम कैरी के साथ करेंगे आज। 857 प्लस 26, देखो इसमें हमें कैरी यूज़ होगी, हमें कैरी का यूज़ करना है। देखो जैसे 5257 एंड प्लस 26, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का हम ऐड करते हैं ना, तो 7 प्लस 6 टोटल कितने होंगे, 30 में से हम जो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 3 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और हमारी 1 क्या हो जाएगी, कैरी। ओके, सो अब ये हमारा सॉल्व हो गया और हम 5 प्लस 2 इक्वल टू 8, और अब जो 8 है ना, अब इसमें नहीं सॉरी 50 प्लस 2 7 होगा। अब हमें 7 में जो 1 कैरी ली है ना हमने, वो भी ऐड करनी है, तो हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 83। ओके, अरेंज द नंबर्स कॉलम वाइज, सम ऑफ डिजिट्स इन वंस कॉलम 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, 13 मीन 110 एंड 3 वंस। ओके, हैंस राइट 3 इन वंस कॉलम कैरी ओवर 1 टू द टेंस कॉलम, 1 इज नाउन अस कैरी, सम ऑफ डिजिट्स इन टेंस कॉलम 1 कैरी प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 8, राइट 8 इन टेंस कॉलम, टोटल एडिशन 83। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने आपको अभी समझाया ना कि 57 है और 26 है, तो हम 7 प्लस 6 करेंगे तो 13 आएगा और लास्ट में क्या है, 3, तो हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे और फिर हम इसका प्लस करेंगे 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, और 7 में हम जो 1 कैरी है उसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 83। ओके, तो चलो अब हम जो आगे के एडिशंस दिए गए हैं कैरी वाले वो करेंगे। 3 नंबर 5 25, ओके 25 प्लस 48, तो 25 प्लस 48, तो 5 प्लस 8 कितना होगा, चलो काउंट करो कितना होगा, 13, तो हम 13 में से 3 लिखेंगे यहाँ और 1 हमारी क्या होगी, कैरी होगी। ओके, तो देखो हमने 1 कैरी की, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो हमें 6 में क्या करना है, जो कैरी उसे भी काउंट करना है, तो 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7, तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 73। ओके, 25 प्लस 48 इक्वल टू 73। नेक्स्ट है 53 प्लस 27। ओके, तो 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, 10 में से देखो लास्ट में क्या है, 0, तो 1 क्या होगी, हमारी कैरी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 कैरी। ओके, तो देखो हमने 1 कैरी किया, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, अब 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, टोटल 80, 53 प्लस 27 इक्वल टू 18। ओके, नेक्स्ट देखो 49 प्लस 18, देखो इसमें भी कैरी आएगी, तो चलो काउंट करो, 9 प्लस 8 कितना होगा, 17, 9 प्लस 8 कितना होगा 17, तो हम 17 में से जो 110 है, मतलब जो टेंस है उसका 1 हम कैरी लगाएंगे और लास्ट में क्या है, 17, तो 7, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हमारी कैरी करेंगे। नेक्स्ट है 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, अब जो 5 है उसमें हमें वो 1 कैरी को भी ऐड करना है, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 49 प्लस 18, ओके इक्वल टू 67, 49 प्लस 18 इक्वल टू 67। नेक्स्ट देखो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13, 1 3 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और कैरी करेंगे 1 को, तो हमने कैरी 1 की, 1
अब हम देखो क्या करेंगे, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, 6 + 1, अब हम कैरी को भी ऐड करेंगे, 6 + 1 = 7, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 46 + 27 = 73, ओके। नाउ यू नेक्स्ट, 1 + 9 कितना होगा, 61 + 29, ओके, तो ऐड करो 61 + 29, 1 + 9 = 10, 10 में से हम 0 यहाँ पे करेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, 1 को हमने कैरी किया, 6 + 2 = 8, 6 + 2 = 8, 8 + 1 जो कैरी है हमें उसे भी अकाउंट करनी है, ऐड करना है, तो 8 + 1 कितना होगा, 9, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 19, 16 + 29 = 90, ओके। नेक्स्ट देखो, 2 + 9 = 11, 11 में से हम देखो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, ओके ओके, देखो हमने 1 लिखा, 1 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी की है। नेक्स्ट 5 + 3 = 8, अब जो 8 है उसमें हमें ये 1 भी ऐड करना है, उस कैरी को भी ऐड करना है, तो 8 + 1 = 9, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 91, 52 + 39 = 91। नेक्स्ट देखो, 1 for 14 + 68, सो 4 + 8 = 12, 12 में से हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और कैरी करेंगे 1 को, ओके। नेक्स्ट 1 + 6 = 7, बट 7 और जो 1 कैरी की हमने उसको भी काउंट करेंगे, 7 + 1 = 8, टोटल आंसर हमारा आया 82, 14 + 68 = 82। नेक्स्ट है 72 + 19 = 90, तो 2 + 9 = 11, तो 11 में से हम 1 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, ओके, तो 7 + 1 = 8, 8 + 1, अब जो हमने कैरी की है उसमें 8 को उस 1 को भी ऐड करना है, तो 8 + 1 = 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9, टोटल आंसर हमारा क्या आएगा, 91, 72 + 90 = 91। नेक्स्ट है 5 + 9 = 65 + 19, तो 5 + 9 करो, टोटल कितना होगा, 14, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 और 1 की कैरी करेंगे, तो हमने 1 कैरी की और 6 + 1 = 7, 7 + 1, अब हम जो कैरी किया है हमने उसको भी ऐड करना है, 7 + 1 = 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, सो आंसर हमारा आएगा 65 + 19 = 84, ओके। नेक्स्ट है 54 + 28, ओके, तो 8 + 4 = 12, तो 12 में से हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 की कैरी करेंगे, तो हमने 1 कैरी किया, ओके, तो हमने 1 कैरी किया और 5 + 2 = 7, 7 और हम 7 में 1 जो कैरी की उसको भी ऐड करेंगे, 7 + 1 = 8, तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे 8, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 54 + 28 = 82। नेक्स्ट देखो 39 + 48, ओके, 39 + 48, तो 9 + 8 = 17, तो 17 में से हम 7 यहाँ लिखेंगे और 1 की कैरी करेंगे, ओके, 3 + 4 = 7, अब 7 में जो हमने 1 कैरी की है उसे भी ऐड करेंगे, तो 7 + 1 = 8, ओके, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 87, 39 + 48 = 87। नेक्स्ट है
57 plus 33, सो 7 plus 3 इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे. 5 plus 3 इक्वल टू 8, अब जो 8 है उसमें हमें 1 कैरी को ऐड करना है. 8 plus 1 इक्वल टू 9, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 19. 57 plus 33 इक्वल टू 90. नेक्स्ट देखो 67 plus 26, सो 7 plus 6 इक्वल टू 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 1 करेंगे कैरी. और 6 plus 2 इक्वल टू 8, और जो 8 है उसमें हमें 1 कैरी को ऐड करना है, तो 8 plus 1 इक्वल टू 9. ओके 67 plus 26 इक्वल टू 93. नेक्स्ट है 47 plus 48, तो चलो हम इसको काउंट करेंगे. 8 plus 7 plus 8, तो चलो 7 plus 8 को काउंट करो, कितना होगा एडिशन टोटल 15, तो 15 में से हम 5 यहाँ लिखेंगे और 1 को ऐड करेंगे. तो चलो 4 plus 4 इक्वल टू 8, अब 8 है और उसमें 1 को कैरी को भी ऐड करो, 8 plus 1 इक्वल टू 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9. 47 plus 48 इक्वल टू 95. ओके नेक्स्ट देखो 63 plus 28, तो 3 plus 8, ओके 3 plus 8, तो टोटल कितना होगा 11 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे 1 की कैरी. तो 6 plus 2 इक्वल टू 8, 8 plus 1 हमने किया तो क्या आया 9, तो 63 plus 28 इक्वल टू 91. नेक्स्ट है 17 plus 26, तो चलो इसको भी ऐड करो, 6 plus 7 इक्वल टू 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 1 को करेंगे कैरी. और 1 plus 2 इक्वल टू 3, 3 plus 1 इक्वल टू 4, तो टोटल कितना हुआ 17 plus 26 इक्वल टू 43. नेक्स्ट है 25 plus 29, सो चलो इसको ऐड करो, 5 plus 9 इक्वल टू 14, तो 14 में से हम 4 यहाँ लिखेंगे और 1 की कैरी करेंगे, तो हमने 1 कैरी किया. 2 plus 2 इक्वल टू 4, 4 plus 1 इक्वल टू 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5. ओके 2 plus 2 इक्वल टू 5, टोटल हमारा आंसर आएगा 25 plus 29 इक्वल टू 54. नेक्स्ट है 28 plus 35, तो चलो ऐड करो, 8 plus 1 टोटल होगा, टोटल कितना आएगा 13, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 है उसकी कैरी करेंगे, तो हमने 1 कैरी की. और 2 plus 3 इक्वल टू 5, 5 plus 1 इक्वल टू 6. ओके 28 plus 35 इक्वल टू 63. नाउ योर नेक्स्ट लाइन 32 plus 18, तो चलो 8 plus 2 काउंट करो, 2 plus 8 इक्वल टू 10, 10 में से हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे. और 3 plus 1 इक्वल टू 4, 4 plus 1 इक्वल टू 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5. 32 plus 18 इक्वल टू 50. नेक्स्ट है 26 plus 36, तो 6 plus 6 इक्वल टू 12, 12 को हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 इसको कैरी करेंगे. 2 plus 3 इक्वल टू 5, 5 plus 1 इक्वल टू 6. ओके 26 plus 36 इक्वल टू 62. नेक्स्ट देखो 35 plus 45, ओके 35 plus 45, तो 5 plus 5 इक्वल टू 10, तो 0 लिखा हमने और 1 कैरी कर देंगे. और 3 plus 4, 7 plus 1 इक्वल टू 8, तो हमने 8 लिखा. 35 plus 45 इक्वल टू 80. नेक्स्ट देखो 58 plus 29, तो 8 plus 9 होगा टोटल 17, 17 में से हम 1 यहाँ लिखेंगे
सॉरी सेवन यहाँ लिखेंगे और वन को हम कैरी करेंगे. ओके तो हमने कैरी की 50 प्लस 2 5 प्लस 2 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8. तो हमारा टोटल आंसर आएगा 87. 58 प्लस 29 इक्वल टू 87. नेक्स्ट है 47 प्लस 36 सो 7 प्लस 6 होगा टोटल 30. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे करेंगे 1 की कैरी. 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8. तो हम यहाँ लिखेंगे 8. 47 प्लस 36 इक्वल टू 83. नेक्स्ट है 66 प्लस 29, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 9, ओके 9 प्लस 6 इक्वल टू होगा 15. तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और हम यहाँ पे करेंगे 1 कैरी. तो हमने 1 कैरी की यहाँ पर, तो 1 कैरी की हमने. 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 9. तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 9. तो 66 प्लस 29 इक्वल टू 95. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आज हमने इस चैप्टर में ये हमने कैरी वाले एडिशंस कंप्लीट किए हैं. तो आज आपको वर्कबुक में पेज नंबर 54 तक क्लास वर्क कंप्लीट करना है एंड होमवर्क में आपको ये पूरे एडिशन कैरी वाले 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.